आपने सुना होगा यासिन मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें आंखों में पट्टी बांधी जाती थी और हमें फिर पाकिस्तान ले जाया जाता था और वहां पर हमें गोलियां चलानी सिखाई जाती थी। मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि हिंदुस्तान के साथ क्यों रहना है और पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रहना, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने के बाद हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली कश्मीर में, हमें वो चीजें देखने को मिली जो है, जो कभी हुई नहीं थी। 1947 के बाद कश्मीर एक अलग ही जगह पर पहुंच गया। आपने कश्मीर का बजट देखा, इस बार कि आप लोग आजाद कश्मीर को संभालो, जब वो संभलता है उसके बाद आप किसी दूसरी जगह के ऊपर उंगली उठाओ। सॉरी, 200 रुपए किलो आटा, 200 रुपए केजी होने जा रहा आटा, हमें 25 रुपए केजी मिलता है। भाई आप लोगों को तो फ्री मिलता भाई। मैं भी गिलगित बल्तिस्तान आपको बता दूं, तो गिलगित बल्तिस्तान भी एक मुतनाज़ा इलाका है, तो वहां पर लोगों के भी थॉट्स कुछ डिफरेंट है, तो आप मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। ठीक है जी। हाँ, पाकिस्तान में एक हाई कोर्ट है कराची वाले साइड से। जी जी जी, कराची में, वहां मेरे बड़े मामू जज हैं। ओके, हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं मिला सिवाय हमारे बच्चों ने, जिन्होंने पत्थर उठाए, जो रोड पे निकले, जिन्होंने जिहाद किया। क्योंकि आपने कहा कि हिंदुस्तान के साथ क्यों रहना है और पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रहना, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने के बाद हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली कश्मीर में, हमें वो चीजें देखने को मिली जो है, जो कभी हुई नहीं थी। 1947 के बाद कश्मीर एक अलग ही जगह पर पहुंच गया। आपने कश्मीर का बजट देखा, इस बार मिलियन नहीं बिलियंस में आया है। इस बार G20 की मीटिंग्स कहां कराई गई, कश्मीर में। आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कहां बनाया गया, कश्मीर में। टनल्स, जहां पर हमें कश्मीर से जम्मू आने में सफर में 7 से 8 घंटे लगते थे, टनल क्रॉस करो 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तो वो हमें हिंदुस्तान से ही मिला है, हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं मिला सिवाय हमारे बच्चों ने, जिन्होंने पत्थर उठाए, जो रोड पे निकले, जिन्होंने जिहाद किया। क्योंकि इस्लाम में कहीं ना कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने कहा है कि जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत करो, उससे इश्क करो। तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। और रही बात पाकिस्तान में क्यों नहीं आएंगे, एक और चीज आपने नोटिस करी, पाकिस्तान की महंगाई वर्सेस इंडिया की महंगाई आपने देखी होगी, जहां पर हम लोग इतने कम तरीके में अपना रोजगार चला रहे हैं, अपने सफलता जो है, हम यंग अचीवर्स, आप देखिए मेरी तरह जो छोटे छोटे यंग अचीवर्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है। आप बोले कि पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में लोग आटे चावलों के लिए रोड पे निकल रहे हैं और रोड पे लोगों के बीच में ही मरे जा रहे हैं। तो ऐसे मुल्क के साथ कौन जुड़ना चाहेगा जो उस मुल्क को नहीं संभाल सकता, जो उसके पास ऑलरेडी है। पहले मैं कहूंगी आप लोग आजाद कश्मीर को संभालो, जब वो संभलता है उसके बाद आप किसी दूसरी जगह के ऊपर उंगली उठाओ। हम लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, और पाकिस्तान का जो कंसेप्ट है कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो वो खत्म हो चुका है। वो जो आप कह रहे हैं ना, तो वो जो यासिन मलिक वाला कंसेप्ट था, जो बुरहान वानी वाला कंसेप्ट था, वो खत्म हो चुका है। उन लोगों को पता चल गया है कि अब वहां पर जाने से कुछ नहीं होता, अब हुर्रियत का नामो निशान कश्मीर से खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यही है कि हुर्रियत जो है, जो पहले ये कहती थी, आपने सुना होगा यासिन मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें आंखों में पट्टी बांधी जाती थी और हमें फिर पाकिस्तान ले जाया जाता था और वहां पर हमें गोलियां चलानी सिखाई जाती थी और उसके बाद जो है हम वापस आते थे। तो मतलब इतना भरोसा तो है नहीं पाकिस्तानियों पे हम पे कि नहीं हम आंखें खोल के उन्हें लेके जाएं। एक तो आप अपने मुल्क में लेके भी जा रहे हो, दहशतगर्द सिखा भी रहे हो, ऊपर से आप उनकी आंखों पे जो है पट्टियां बांध रहे हो। तो जब वो उस चीज पे भरोसा नहीं कर सकते तो हम कैसे भरोसा कर लें कि पाकिस्तान हमारे लिए जो है सिक्योर है, सेफ है। नहीं है वो हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर। जो आपका कंसेप्ट था, ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, बच्चे जो है रोड पे निकलते थे पत्थर लेके, आजादी के नारे लगाते थे कि हम क्या चाहते हैं, आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने देखा होगा दीवारों पे ये टैग्स लगे हुए थे, पाकिस्तान के झंडे को लहराया जाता था। कब की बात है, तब जब हुर्रियत जिंदा थी। आप मुझे बोलो आज कोई कश्मीरी क्यों नहीं ये बात बोलता, क्योंकि आज उन्हें पता चल गया, उनकी आंखें खुल गई हैं कि भाई तरक्की हो रही है, जिस चीज की हमें नीड है। एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, आप मुझे बोलो, हवा, खाना पीना, पानी, नौकरी, अच्छी फैमिली, वो हमारे पास है।
अब हमें वहां पर आके क्यों खुद को जलील करवाना है? हम वहां पर जाएंगे, हमें बोलेंगे अरे ये तो हिंदुस्तान वाले कश्मीरी हैं, इनको तो ऐसे करो, जैसे आजाद कश्मीर का इस वक्त सूरत हाल है। तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तानियों के बाप का नहीं है, उसके जो दिमाग से कंसेप्ट है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उस कंसेप्ट को खत्म करो, ये अब तुम्हारा नहीं है। आप लोग पीसफुली रहो, हम पीसफुली रहेंगे। पहले था वहां पर ये सेम सिनेरियोस, लेकिन अब यकीनन कि आप भी यही चाहेंगे, मैं भी पाकिस्तानी हूं, अगर मैं भी यही चाहूंगा कि मेरा मुल्क के अंदर मुझे वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो एक आम बंदा जो अमेरिका के अंदर वो फैसिलिटीज हासिल कर रहा, वो डिमांड करता हूं। मैं भी अपनी गवर्नमेंट से, भाई मैं टैक्स दे रहा हूं, मुझे वो चीजें मिलनी चाहिए। अभी कश्मीरी भी वही डिमांड करते थे, तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो चीजें उनको डिमांड कर रहे थे वो चीजें उनको मिल गई, अब वो क्यों आजादी मांगेंगे? तो मेन पॉइंट यही है। और ये आजादी वाला कंसेप्ट भी जो है ना, मैं आपको बता दूं मुजम्मिल जी, आजादी वाला जो कंसेप्ट है ये हम आम लोगों की देन नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, ये उन पॉलिटिशियंस की देन है, उन हुर्रियत के लीडरान की देन है जो प्रोपोगंडा खड़ा करते थे ये कह के कि नहीं अगर हम पाकिस्तान के नारे लगाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो लोग जो कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते थे। आप मुझे एक बात बोलो, मरा कौन? वो पॉलिटिशियंस मरे, वो हुर्रियत के लीडरान मरे? नहीं, एक आम इंसान मरा, एक माँ का बेटा जो आज रो रो के, जब हमारे घरों में ईद होती है तो हम मतलब खुशी होती है हमें, जब उन लोग के घरों में ईद होती है तो वो क्या सोचते होंगे कि क्यों मेरा बेटा इस जिहाद में घुसा था, क्यों मेरा बेटा वहां पर गया था। एक बीवी जिसके हस्बैंड को शारिया मार दिया जाता था, एक बच्चा, एक भाई, एक हावन, कितने कंसेप्ट है यहाँ पर। आप देखो कि इनकाउंटर होता था, मरते आम लोग थे, कश्मीर के लोग मरते थे, पाकिस्तान से तो कोई आगे अपनी बलि नहीं देता था कि नहीं हम आ गए हैं लो भाई हमें मारो। नहीं, इसको कहते हैं माइंड वॉश, बड़ी ही बारीकी तरीके से माइंड वॉश किया गया। किस चीज को लेकर के? रिलीजियस को लेकर के, हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन आज जो है हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट खत्म हो गया है, कश्मीर में सिख हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सारे लोग रहते हैं, कोई दंगे फसाद नहीं होते, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। तो मैं इस चीज को, इस चीज से बिल्कुल बायकॉट करती हूँ कि जो आप लोग कह रहे हैं, जो आप लोग के दिमागों में कंसेप्ट को डाला गया है कि यहाँ से ऐसे होता है वहां से, कुछ भी नहीं होता है, पीस एंड शांति और अमन है। तो आप लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, और आप लोग भी अपनी देश अपनी कंट्री की तरफ ध्यान दो ताकि कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाए। इतना ब्लैक लिस्टेड हर जगह से होने के बाद कुछ तो शर्म करो पाकिस्तानियों, कुछ तो शर्म करो। लेकिन नहीं, इज्जत जैसे बेच दियो ना, वैसा कंसेप्ट हो जाता है। नहीं भाई, हमें यूनाइटेड नेशन कुछ बोल रहा है तो हम सुन लेंगे, अमेरिका बोल रहा है, रशिया बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, हम सुनेंगे, लेकिन हमें कश्मीर चाहिए। क्यों? निकालो अपने दिमाग से वो ख्याली पुलाओ कि नहीं कश्मीर चाहिए, कश्मीर अब नहीं मिलेगा, अब दूर रहो। सही हो गया, इंडिया और अमेरिका दोनों कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने पर, तो इससे पाकिस्तान को दोबारा से, पहले ही हमारे हालात ठीक नहीं है, पहले ही हम खड़े नहीं हो पा रहे, तो अगर हालात और बदतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की कंडीशन मजीद बेहतर, हालात खराब होने की तरफ तो नहीं जा रहे? अरे नहीं, FATF आपने सुना नहीं, वो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए लगाया जाता है। टेरर फंडिंग जो आपकी गवर्नमेंट्स और कहीं ना कहीं जो पैसा उनको दे रही है, तो वो अगर स्टॉप हो जाएगा तो आपकी कंट्री तो डेवलप हो जाएगी। जो पैसा उन मुजाहिदीन को या टेररिस्ट को दिया जाता था वो तो अब स्टॉप हो जाएगा, वो तो फिर आप लोग अपने देश में लगाओ। मैं आपसे, लेकिन जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसे हैं पाकिस्तान के, वो बाहर भी जाते हैं, तो अगर वो इस किस्म के केसेस में आ जाती हैं, जिस तरह से इंडिया के अंदर अभी आप देखेंगे गूगल और अमेज़न दोनों एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज को, उसके बाद लोलू कंपनी आ रही है, MR कंपनी आ रही है, पाकिस्तान, मेरा कहने का पर्पस ये है, पाकिस्तान में पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हमारे पास, तो अगर FATF के ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं तो जो है ये भी चली जाएंगी, तो हमारे हालात मजीद बुरे हो सकते हैं फ्यूचर में, ये पूछ रहा हूँ मैं। देखिए मैं आपको यही कहूंगी ना, तो फिर सुधारो ना, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोलूंगी कि सुधारो उन लोगों को जो पब्लिक में जाके बोलते हैं कश्मीर ये कश्मीर वो, है ना, उन लोगों पे आप लोग रोक लगाओ, आप लोग उन लोगों को बंद करो, अपने पहले देश को संभालो, उसके बाद टोटली आपका देश जो है वो डेवलपमेंट की तरफ खुद ब खुद बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी लगेंगे, कुछ बिगाड़ा नहीं है आप लोगों ने किसी का, लेकिन आप लोग, मैं कहूंगी कि 100 में से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में वो गलत कंसेप्ट है, तो उन 20% लोगों को आप लोग रोको, उनको समझाओ
जैसे मैंने अभी बोला एक मिलिटेंट जिन्होंने रिसेंटली आके स्टेटमेंट दी, उन जैसे मिलिटेंट्स को आप अपने घरों में बंद रखो, उनको बोलो कि नहीं अगर आप हिंदुस्तान के बारे में बोलोगे तो आप हिंदुस्तान वाले आपको घर में आके मारेंगे, वो उस तरीके से रखने वाले हैं। पाना जी और एक बात, जो जो 20% लोगों की बात कर रही हैं आप, यही 20% लोग इस पूरे मुल्क पर काबू कर रहे हैं, इस पूरे मुल्क को चला रहे हैं, बताए उन पर काबू। बड़े ही बुरे हालात है आपके। आप ये जो चीजें मैं आपसे सुन रही हूँ ना, तो अब अस्तग़फिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, बड़े ही बुरे हालात है यार आपके, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मेरे बस तक होता ना, मतलब मैं कहती ना, तो मैं उन चीजों को इतने तरीके से रोकती यार। आप लोग बात करो ना, माशाल्लाह इतने अच्छे आपकी सोच है, किस तरीके से आप पाकिस्तान का ख्याल रख रहे हैं, पाकिस्तान को आप इंटरनेशनली लेके आ रहे हैं, तो आप लोग बोलो उनको। इन्फ्लुएंसर रेट इतना हो गया है, ये मैं कैमरा उठाकर बाहर गली में चला जाऊं ना, किसी एक नॉर्मल इंसान से पूछूं कि भाई गुजारा कैसा हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे, नहीं हो रहा गुजारा। इतनी महंगाई हो चुकी है, जो हमारे पास आटा मिलता है, जो हमें आटा तकरीबन 200 पे जाने वाला, अभी पेट्रोल की कीमतें भी डबल होने वाली है। 200 किलो, सॉरी 200 रुपए किलो आटा, 200 रुपए केजी होने जा रहा आटा, हमें 25 रुपए केजी मिलता है। भाई आप लोगों को तो फ्री मिलता भाई, यही तो और क्या? ये सरकार के पैसे, ये सरकार है ना। इवन मैं आपको बता दूं कि जब से भाजपा आई है तो उन्होंने फ्री राशन का जो है एक अनाउंसमेंट करी थी, अगर आपने उस बारे में पढ़ा होगा, पढ़ना थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगी। फ्री राशन ये है कि जो कश्मीर के जो इलाके हैं वहां पर फ्री राशन मिल रहा है। मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में फ्री राशन, हमें तो बस जाओ बीपीएल कार्ड दिखाओ, भाई हम ये हैं, तो हमें तो फ्री राशन मिल रहा है, हमें तो टेंशन ही नहीं, हमें तो पैसा देने की जरूरत ही नहीं है खाने पीने के लिए, पैसा हम लोग लगाएंगे इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। अगर आपकी ये वीडियो हमारे कश्मीरियों ने देख ली ना, वो रोएंगे, यकीन करो कि जिस तरह से बातें आप बता रही हैं, जिस तरह से फैसिलिटीज आपको मिल रही। मैं आपको एक चीज बताऊं ना, मेरे जो बड़े दादू जी हैं वो पाकिस्तान में हैं, यानी कि मेरे जो चाचू हैं, पुफिया हैं, वो सब पाकिस्तान में इस टाइम रह रही हैं। तो जब मैं उनसे फोन पे बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार कैसा चल रहा है सब कुछ, तो कहते हैं ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मैं आपको बोलूंगी, मेरे मम्मी वाले साइड से, पापा वाले साइड से, दोनों साइड से पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो मैं उनसे बात, जी हाँ, पाकिस्तान में एक हाई कोर्ट है कराची वाले साइड से, जी 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 कराची में, वहां मेरे बड़े मामू जज हैं। ओके जी, तो मेरे जो रिश्तेदार हैं बेसिकली वो पाकिस्तान में है। चल क्या रहा? हाँ मैं उनसे पूछती रहती हूँ ना, मुझे अपनी जगह पर हंसी आती है, लेकिन अब मैं दुखती रंग जो है दबाती नहीं हूँ। मैं बोलती कोई बात नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे, जल्दी हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं, पहले ऐसा होता था, वो लोग वहां से आते थे और हम लोग यहाँ से आते थे, तो जो सामान है ना वो हम एक्सचेंज करते थे, जो हमारे हिंदुस्तान की खास चीज थी वो हम पाकिस्तान भेजते थे, और पाकिस्तान की जो खास चीज थी वो हमें हिंदुस्तान में आई जाती थी। लेकिन अब ये कंसेप्ट बंद हो गया है। कौन से बॉर्डर से? ये टीठवाल। अच्छा, ये कश्मीर लास्ट बॉर्डर ऑफ, यस लास्ट बॉर्डर ऑफ कश्मीर, जिसे हम लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर कहते हैं, आप जरूर उसे, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर आई थिंक सो कि कोई ऐसा मुकाम है जो बिल्कुल बहुत नजदीक कर देता है। बिल्कुल, ये छोटी सी दरिया है, छोटा सा दरिया, और वहां से सामान आसपास चला जाता था, नो इशू, बड़ी ही सिक्योरिटी, अच्छे तरीके से, कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन अब ये कंसेप्ट बहुत खराब हो गया है, अब वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप उधर आ जाएंगे, हम भी पहुंच जाएंगे उधर ही। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं जरूर आऊंगी, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आऊंगी। मैं इवन मैं आपको कहूंगी कि वहां पर जो लोग होंगे ना, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगी ऑनलाइन, ताकि आप लोग को आजादी हो, जो मतलब पूरा क्लियर हो जाए कि जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। जबरदस्त हो गया, डन, हम जरूर करेंगे इस बारे में बात। डेफिनेटली, बड़ा अच्छा रहा हमारा सेशन, और आपसे बात करके यकीन करें बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कॉन्सेप्ट से जो माइंड के अंदर बातें होती हैं बंदा खुल के नहीं भी कर पाता, आपने वो सारी बातें आज क्लियर कर दी कि जो जो चीजें हैं, जिस तरह से आप लोगों को चीजें सस्ती मिल रही हैं, आपने बताया कि आटा 25 रुपए केजी मिल रहा है। भाई भाई आप तो, मैं क्या बताऊं आपको, जन्नत जन्नत में रह रहे हैं। मुझसे ये हालात नहीं देखे जाते कि जो पैदा हुए हैं हमारे, यकीन करें आपका रोना आता है। एक एक इंसान के बस में हो ना, अगर मैं अपने, मेरे बस में है कि मैं अपने घर के हालात ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कमाने वाला हूँ, मेरे भाई भी हैं, बड़े भी हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों की टेंशन ज्यादा जो सफेद पोश लोग हैं, जिनके घर पे कोई सरबराह नहीं है, जिनकी औरतें काम करने नहीं जा सकती, वो क्या करेंगे?
यकीन करे है तो इंसान ही ना, क्या करे वो, यकीन करे। जब ये जब बाहर जब जाता हूँ या कोई किसी से इंटरेक्ट हो जाता है, जब आप गाड़ी में जा रहे हो कहीं तो आपके नोक करके लोग जब वो रो रहे होते हैं ना, तो यकीन करें कि आपने रिसेंटली देखा होगा दुबई में कुछ उन लोगों को पकड़ा गया जो लोग भीख मांगते हैं, उन लोगों को पकड़ा गया तो मैक्सिमम जो थे वो पाकिस्तान से थे, आपने वो भी सुना होगा। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बहुत बार हिंदुस्तान से भी थे लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तान से थे। तो जब ये स्टेटमेंट सुनती हूँ मैं और जब मैं हालात देखती हूँ कि किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं राशन की दुकान के बाद, लाइनें लगी हुई हैं, तो वो एज अ ह्यूमन, एज अ इंसानियत के नाते कहूंगी बहुत गलत हो रहा है। आपकी सरकार को चाहिए कि इन सारी चीजों पे अच्छे तरीके से काम करें। एक जगह पर आटा मिल रहा है 200 रुपए केजी, अगर उसके साथ ही अगर कोई बंदा बेचता है 195 रुपए का, 195 रुपए का अगर कोई आटा बेचता है, वहां पर लोग खून खराबा करने के लिए तैयार है अभी इस टाइम, 5 रुपए बचाने के लिए। इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन हमारी पैदा बना दी गई हैं, बन गए हुए हम। खैर अल्लाह करे कि हम इन सिचुएशन से बाहर आ जाए और फिर से सुरगुरु हो, या बस हालात बड़े खराब है, अल्लाह ताला ठीक करे इन हालातों को। और फाना जी आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया, मैंने अपने दुख दर्द आपको सुनाए उसके लिए माजरत है। बहुत अच्छा लगा मुझे, नहीं बहुत अच्छा लगा, मैं देखती भी हूँ और जब मैं बात भी करती हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ यार कि कल ईद है ना, कल बड़ा दिन है, मैं जरूर नमाज जब पढ़ूंगी ना तो दुआ करूंगी कि पाकिस्तान में हालात ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। अमीन अमीन, बस दुआ करें, हम दुआ के आसरे जी रहे, अल्लाह ताला चला रहा हमें। तो बहुत शुक्रिया, कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे? सो गाइस, मेरे को बहुत